बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा मैथ का लेक्चर नंबर 2 था, तो आज हमने वंस और टेंस सीखना था कि हमने वंस और टेंस कैसे बनाने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट सेकेंडरी नंबर इज़ कमिंग आफ्टर 9। जो सेकेंडरी नंबर 9 के बाद आता है इज़ रिप्रजेंटेड बाई द टू प्राइमरी नंबर्स। वो टू प्राइमरी नंबर्स के साथ के ज़रिए हमें पता चलता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10। 9 के बाद जो फर्स्ट प्राइम जो नंबर आता है प्राइमरी नंबर, जो टू प्राइमरी नंबर्स आते हैं वो होते हैं 10। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें आप 10, 1 और 0, 10। अब इसमें 1 कौन सा है और 10 कौन से हैं? जब हम इसको 10 लिखेंगे तो इसमें ये 1 है वो 10s बन जाएगा और ये जो 0 है वो 1s बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब हम 1 एंड 1 लिखेंगे तो इसमें भी 10s जो है वो 1 ही रहेगा और जो 1s है वो 1 बन जाएगा। यहाँ पर balloons देखें, balloons दिए गए हैं, आपने इनको काउंट करना है कि कितने हैं। चलिए काउंट करें मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आप ये भी balloons जो हैं 10 हैं, तो इसमें 1s जो है 0 और 10s 1 है। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें वंस कौन से होते हैं और टेंस कौन से। अब यहाँ पे लिखा है ट्रेस द नंबर विद द हेल्प ऑफ द क्रियॉन यानी कि पेंसिल एंड कलर द कैमल इन रेड। आपने पेंसिल के साथ इसकी ट्रेसिंग करनी है, 11s दिए गए हैं और साथ में कैमल में कलर करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 एंड 1 मतलब 11। 11 में 1s कौन सा है और 10s कौन सा है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है 10s जो है वो 1 ही रहेगा 19 की फिगर तक। ठीक है, जब 20 की फिगर आ जाएगी तो 10s जो है वो 2 में चेंज हो जाएगा और जो 1s है वो उसकी नेक्स्ट वाली जो होती है वो वाली फिगर होती है। जिस तरह 1 और 1 11 है तो इसमें 10s जो है 1 और 1s भी 1 ही होगा। नेक्स्ट है ट्रेस द नंबर विद द हेल्प ऑफ द क्रेयॉन पेंसिल एंड द कलर द कैट इन येलो। यहाँ पर आपने कैट में येलो कलर करना है। मैंने ब्राउन कलर इसलिए किया है ताकि आपको बता सकूँ कि ये जो कलर है अगर आपने गलत किया तो आपका यू क्रॉस हो जाएगा। आपने इसको टिक लगवाने के लिए येलो कलर करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने फिर से 10s और 1s की प्रैक्टिस के लिए 1 और 2 जहाँ पर होता है आपने इसमें 10s और 1s बताने हैं, तो इसमें आपने 10s जो है वो 1 रहेगा और 1s जो है वो 2 होगा। ठीक है, ऊपर के डॉट्स भी दिए गए हैं, आपने डॉट से पता कर लेना है कि ये कितने डॉट से भी ये बताया गया है 1s और 10s की एक्सरसाइज। आपने इसकी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। ट्रेस द नंबर विद द हेल्प ऑफ द क्रेयॉन, आपने इसमें कलर करना है येलो, जैसे कि इधर मैंगो में किया है 13 में येलो कलर करना है, साथ में इसमें ट्रेसिंग करनी है और साथ में आपने इसकी पहचान भी करनी है कि हम ये पढ़ क्या रहे हैं। अब यहाँ पर 13, 10s और 1s, 10s जब तक 20 नहीं आएगा ये 10s नहीं चेंज होगा, ये 1 ही रहेगा और जो 1s है वो चेंज होते रहेंगे, ये वाला नंबर चेंज होता रहेगा 13, 14, 15, 13, 14, 15। तो जब हम 13 पढ़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा, उसके बाद 3 जो है वो यहाँ पर इसका 1s बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 14। ठीक है, आपने इधर फिश में रेड कलर करना है, जो कि 14 आपने लिखना भी यूँ नहीं है, ये वाला जो 4 है आपने यूँ लिखना है। ठीक है, ये बॉक्स से ना तो बहुत ज़्यादा छोटा हो और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा। और यहाँ पर आपने 10s और 1s की फिर से प्रैक्टिस करनी है। 10s जो है वो 1 है, 1s 4। नेक्स्ट देखिए 15, आपने इस बलून में रेड कलर करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखना है 10s और 1s। 10s चेंज नहीं होगा, जैसे कि पहले भी बताया था 10s जो है वो 1 ही रहेगा जब तक कि हम 20 तक की काउंटिंग तक ना पहुँच जाएँ। और यहाँ पर जो 15 है
तो ये जो 5 है ये बन जाएगा 1s। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था, आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है टेंस और वंस की, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपना घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको वीडियोस टाइम पर मिल जाएं। अल्लाह हाफिज़।